अगर आप भी नौवीं से बारहवीं तक के छात्र हैं तो आपको मिल सकती है पाँच से दस हजार रुपये की स्कॉलरशिप इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें तो हाय गाइस वेलकम बैक टू तो माय यूट्यूब चैनल डी जी सेल्फ टेक माई सेल्फ सुबह बैक विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप ये स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा और गाइज अगर आप उनमें से जो मेरे साथ कोलेबरेट करना चाहते हैं तो यह है मेरी ई मेल आप इस आप मेल कर सकते हैं और मेरे साथ कोलेबेट कर सकते हैं तो आप बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपको पता है आज भी ऐसे छात्रों की संख्या काफी अधिक है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं और उनको पढ़ाई करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार छात्राओं के लिए कई सारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं इन योजनाओं का उद्देश्य छात्रों को सहायता प्राप्त करना होगा ताकि उनको पढ़ाई में कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली सरकार के एक बेहद शानदार योजना के बारे में जिसका नाम है विद्यार्थी प्रतिभा योजना और इसी स्कीम के जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया दिल्ली सरकार छात्राओं को पांच से दस हजार का स्कॉलरशिप यानी राशि प्रदान कर रही है तो आइए इसके बारे में बताऊँ दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ने वाले छात्राओं को लाभ पहुंचाना अगर कोई छात्र नौवीं या दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और उसके पिछले कक्षा में पचास फीसदी अंक थे ऐसे में उसको पाँच हजार की आर्थिक मदद दी जाती है वहीं अगर कोई छात्र ग्यारहवीं या बारहवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और उसके पिछले कक्षा में साठ फीसदी या इससे ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे तो, तो ऐसे में उसको दस हजार रूपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है और ये बात आपके लिए जानने बहुत जरूरी है की ये लाभ सिर्फ उन्ही छात्रों को दिया जाएगा जो दिल्ली के मूल निवासी है दिल्ली सरकार की इस स्कीम का लाभ उन्ही छात्राओं को दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है इस स्कीम का लाभ सामान्य वर्ग से आने वाले छात्र नहीं उठा सकते हैं तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए अब हम उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से आपके पास ये होना जरूरी है निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक पासबुक डिटेल पासपोर्ट फोटो मोबाइल नंबर आदि का होना ज़रूरी है इस स्कीम के आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अदरवाइज आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो भी बताया समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें और शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें Proszę Państwa, proszę.